धर्म की नगरी से फिल्मी दुनिया तक, अपराध की दास्तानों से राजनीतिक हलचल तक, प्रदेश की तमाम खबर तह तक, इंडिया पोस्ट न्यूज, जज्बा सच दिखाने का। सीतापुर पुलिस आबकारी विभाग को मिली बड़ी कामयाबी। सीतापुर ब्यूरो जनपद सीतापुर के 25 थानों की पुलिस द्वारा 120 अभियुक्तों के पास से 3003 लीटर अवैध कच्ची शराब की विगत दिवस में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मृत्यु होने की सूचना से प्रदेश में हड़कंप मच गया। पुलिस महाधीक्षक लखनऊ व पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा कच्ची शराब के कारोबारियों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान चलाकर सीतापुर में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब बरामद की गई। सीतापुर पुलिस अधीक्षक ने निर्देशानुसार सीतापुर पुलिस व आबकारी विभाग द्वारा 3030 कच्ची लीटर शराब समेत 26 भट्टियां बरामद कर 120 अभियुक्त गिरफ्तार एवं 12,890 लीटर लहन नष्ट किया गया। दिनांक 23 और 24 की मध्य रात्रि में गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जेल भेज दिया गया है। विगत दिवस में प्रदेश के कुछ जनपदों में जहरीली शराब पीने से मौत की खबर आई थी। इसको लेकर के पुलिस महानिरीक्षक महोदया लखनऊ रेंज के द्वारा तथा एसपी सीतापुर महोदय के द्वारा कल एक बृहद अभियान जनपद सीतापुर में चलाया गया है। इसमें कुल 120 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और 111 मुकदमे कल रात में दर्ज किए गए हैं। कुल मिला के लगभग 3030 लीटर शराब बरामद हुई है और लगभग 12,980 लीटर लहन नष्ट किया गया है। आपको मैं बता दूं कि हमारे जनपद सीतापुर में विगत नवंबर माह में एक लंबी एक बड़ी कार्रवाई हम लोगों ने किया हुआ है। अब तक दिनांक 24/11/2020 तक जनपद सीतापुर में कुल 392 मुकदमे अवैध शराब के संबंध में दर्ज किए गए हैं, जिसमें लगभग 435 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं और करीब 10,000 लीटर अवैध शराब की रिकवरी हुई है और लगभग 45,000 अवैध रूप से लहन को नष्ट हम लोगों ने कराया है। ये अभियान लगातार जनपद सीतापुर में जारी रहेगा और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी पेरिफेरल एरियाज़ हैं, जो बॉर्डर एरियाज़ हमारे हैं, जहाँ पे ये पुलिस की पहुँच थोड़ी कम हो पाती है, वहाँ आबकारी विभाग के सहयोग से हम लोग वहाँ लगातार दबिशें दें। वो जो एक जनपद का रोग है ये कि अवैध शराब और लहन लोग बनाते रहते हैं, जिसे तमाम कई बार लोगों की मौतें भी हुई हैं, इसे हम लोग छुटकारा दिलाएं इनको। हम लोग ट्राई भी कर रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय से बात करके इसमें कुछ ऐसे व्यवसाय इन सब के लिए हम लोग प्रदान करें कि जिससे ये जो अवैध काम है, लीगल काम है, ये छोड़ पाएँ सभी लोग। आज जो जनपद में इतनी बड़ी मात्रा में रिकवरी है, जो इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप इसको देखेंगे एक पुलिस के बड़े मेहनत का नतीजा ये है और ये दबिश हमारी लगातार इसमें जारी रहेगी और हम लोग इस संकल्पबद्ध रूप से इसमें काम लोग कर रहे हैं कि जनपद में अवैध शराब की निष्कर्षण पूरा हम लोग बंद कराएं।